मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में संस्कृत भारती द्वारा जिला स्तरीय संस्कृत भाषा के सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि संस्कृत भारती द्वारा आयोजित जिला स्तरीय संस्कृत भाषा के सम्मेलन में सीहोर के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा वहीं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इसके साथ ही आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगर हमें अच्छे परिवार का निर्माण, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण या राम राज्य का निर्माण करना है तो संस्कृत भाषा को साथ में लेकर चलना होगा। इसी क्रम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने आशीर्वचन में कहा कि संस्कृत तो जन जन की भाषा है, साथ ही हमें संस्कृति और संस्कृत से जुड़ने की आवश्यकता है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय विधायक सुदेश राय ने अपने अनुभव सुनाते हुए संस्कृत भाषा के महत्व का उल्लेख किया। सीहोर से संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। हमारे देश में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, बहुत पहले में तो पिता जी से पहले संगठन में काम करता था, पिता जी से राजनीति में गया और मेरे मन में एक ही जुनून है कि जैसे हम पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा का स्थापना चाहते हैं, ऐसी मनुष्य को अपना स्थान बनाना चाहिए। हमारे स्कूल में डॉक्टर देशपांडे हमें संस्कृत पढ़ाते थे और नहीं पढ़ पाते थे कोई श्लोक को तो उनकी एक स्टाइल थी, कान में चिमटी मार के पढ़ा देंगे, तो वो दोनों विधि से संस्कृत थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। अब पहले बताते तो हम घोट के आते, हमारा भाषण भी हम संस्कृत में ही कर देते। पर ये तथ्य और सत्य बात है कि मृद जो मृद भाषी मतलब सरल एक प्यार जिसमें जागता है, हिंदी तो अपने मन में है सामने है, पर संस्कृत भाषा में भी जो एक हिंदुत्व की और एक देवी देवताओं की जो भाषा समझ में आती है।